हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स लास्ट क्लास में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फ्लावर्स में सैक में दो मेल गैमीट अलग अलग फीमेल गैमिट या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के गैमिट से फ्यूज करते हैं थोड़ा सा अगर रिवाइज करें एक मेल गैमिट एक्सेल के साथ फ्यूज करता है माइक्रोपाइलर रीजन पे और दूसरा मेल गैमिट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लिया डिप्लॉयड न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस से डेफिनेटिव न्यूक्लियस कैसे बना था डेफिनेटिव न्यूक्लियस बना था जब पोलर न्यूक्लिया सेंट्रल सेल के जो दो न्यूक्लिया थे वो फ्यूज हो गए तो उन्होंने फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया तो इस तरीके से एक प्रोसेस जिसमें एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज हुए फर्टिलाइजेशन जिसको हमने बोला है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लिया या न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस फ्यूज मेल गैमेट एंड फॉर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इतना हम डिस्कस कर चुके हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजेशन के होने के बाद अब प्लांट आगे क्या करेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जितने भी बदलाव आने हैं वो बदलाव कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस तो यहां पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होंगे क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे तो सबसे पहला इवेंट होगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा दूसरा होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले एंडोस्पॉम डेवलपमेंट फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जाइगॉट से ऐसा क्यों होगा पहले एम्ब्रियो डेवलप क्यों नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्ब्रियो इसलिए डेवलप नहीं होगा क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जाइगोट से एम्ब्रियो को बनने के लिए या फर्दर एम्ब्रियो को आगे डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन देने वाला कौन है एंडोस्पर्म सेल हैं तो जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तो उसमें एंडोस्पर्म सेल्स बनेंगी और यही एंडोस्पर्म सेल आगे जाके एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एम्ब्रियो को खाना देंगी न्यूट्रिशन देंगी जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रोसीड होगा इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट होगा वो होगा ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड ओव्यूल किस में बदल जाएगा सीड में बदल जाएगा बीज बन जाएगा और ओव्यूल के बाहर जो ओवेरी होती है दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट जो पल्पी पार्ट हम फ्रूट का खाते हैं दैट इज एन ओवरी ऑफ द फ्लावर जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप हो चुकी है और फल के अंदर जो बीज निकलते हैं वो बनाने वाला होता है ओव्यूल और सीड के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो सीड के अंदर क्या मौजूद होता है एम्ब्रियो और जब भी हम बीज लगा देते हैं तो वो एम्ब्रियो ही फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक के बाद एक स्टेप चलते हैं तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है हमेशा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद होगा या हम ये कह सकते हैं एंडोस्पर्म जो डेवलप होगा उसके डेवलप होने के बाद ही एम्ब्रियो अपने आप को तैयार करेगा डेवलपमेंट के लिए तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स है कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे अब हम यहां बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की क्योंकि एंडोस्पर्म के जो टाइप हैं वो अलग अलग हैं तो सबसे पहले हमें एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का टाइप पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है तो सबसे पहला टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या हम इसको बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा या कॉमनली मिलने वाला एंडोस्पर्म कौन सा है दैट इज फ्री न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यह किस में मिलता है यह मिलता है डायकॉट में यह मिलता है डायकॉट में एंड कैप्सिला में डायकॉट एंड कैप्सिला सबसे कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में मिलता है सबसे पहला क्वेश्चन तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में डाइकॉट में मिलेगा और कैप्सिला में मिलेगा बार बार कैप्सिला आता है कैप्सिला वो प्लांट है जो एंजियोस्पर्म के मैक्सिमम फीचर्स को फॉलो करता है उसमें मैक्सिमम फीचर प्रेजेंट होते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म के इसलिए कैप्सुला का एग्जांपल कॉमनली हम लिख देते हैं राइट अब हो क्या रहा है ध्यान से समझना है सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पे जाएंगे तो वहां पे आपको यह पता चलेगा कि यह है सैक। इस सैक में ये सिनर्जिड सेल्स थी और इसके ऊपर थी एग सेल जिसने एक मेल गैमिट के साथ फ्यूज किया और जयगॉड बनाया एग्सैल और ये दोनों हैं सीनर्जिड सेल्स राइट ये किस रीजन पे है माइक्रोपाइल माइक्रो पाइलर पाईल. एंड या माइक्रोपाइलर रीजन पे पोलैरिटी हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि पोलैरिटी पे क्वेश्चन आता ही है तो पोलैरिटी अगर हम देखें तो माइक्रोपाइलर रीजन पे प्रेजेंट है एग सेल और एग सेल जो है वो मेल गैमिट से फ्यूज करके जाइगोट बनाएगी सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई थी इन दोनों ने फ्यूज करके बनाया सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस और इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस ने इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस ने फ्यूज किया एक और मेल गैमिट से और बनाया न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस ने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसका इंट्रोडक्शन मैं लास्ट क्लास में आपको दे चुकी हूं और ऊपर है एंटीपॉडल्स ये है एंटी अब यहां पे हमने क्या देखा हमने ये देखा कि जब ये सारी चीजें बन गई तो यहां एम्ब्रियो सैक में हमें नजर आया कि एंटीपोडल सेल्स डी होने लगी यहाँ पे सिनर्जी डिजेनरेट होने लगी और यहाँ पे बनना शुरू हुआ या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बन गया जायगोट माइक्रोपाइलर रीजन पे जायगोट बन चुका है ये चैलेजल रीजन है और यहाँ पे बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है एंडोस्पर्म सेल में एंडोस्पर्म सेल इसको पूरी को बोल दिया एंडोस्पर्म सेल क्या बोल दिया इसको एंडोस्पर्म सेल यहां पे क्या है जाइगॉट ये सेंटर में क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये पूरी क्या हो गई एंडोस्पर्म सेल अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यही डिवाइड करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म बनाएगा तो उसी एंडोस्पर्म को हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से समझना है सबसे कॉमन टाइप का जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या हम इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो क्या रहा है ये जो सेंटर में प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेंटर में क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये जो प्रेजेंट है दिस जाइगोट या हम ये कह सकते हैं एम्ब्रियो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो यहां पे वो चीज हमने ऐसे रोटेट कर दिया माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर आ गया चैलेजल रीजन नीचे आ गया है जो फिगर हमने बनाई थी उसमें माइक्रोपाइलर नीचे था इसमें माइक्रोपाइलर ऊपर है कंफ्यूज नहीं होना है अब यहां पे क्या हुआ ये है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है अब क्या होगा ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा लगातार डिवाइड करता रहेगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना लेगा तो यहां पे क्या बन गई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अब ये एंडोस्पर्म है तो इसको बोल देंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड हमने बोल दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पम तो कहने का साधारण सा मतलब है कि केवल अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है न्यूक्लियस के डिवीजन को बायोलॉजी में बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस यहां पे अभी केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है अब जैसे जैसे मल्टी कंडीशन बन जाएगी बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे तो जैसे जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होगा तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो साइटोकाइनेसिस होगा वो पैरी से शुरू होगा तो हम देख रहे हैं कि कॉर्नर पे सेल वॉल या साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या बन गया सेल वॉल बन गई सेल्यूलर हो गया एंडोस्पर्म तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं ये कैसा हो गया एंडोस्पर्म सेल्यूलर बट ये सेल्यूलर कब हुआ जब ये मैच्योर हुआ जब ये मैच्योर नहीं था बन ही रहा था तो इसमें मल्टी मल्टी मल्टीन्यूक्टेड एंडोस्पर्म था जैसे ही हुआ इसको हमने बोला सेल्यूलर एंडोस्पम राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखने अब हम देखते हैं नारियल में जब हम नारियल को देखते हैं नारियल को फोड़ते हैं अंदर से तो उसमें पानी निकलता है दैट वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सो हम ये बोल सकते हैं कोकोनट वॉटर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका कोकोनट वॉटर ऑफ टेंडर कोकोनट टेंडर मतलब जो गीला नारियल होता है जिसके अंदर पानी होता है उसको अगर हम फोड़ते हैं या फिर हम हरे नारियल में जब देखते हैं उसका पानी जब हम पीते हैं दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियर एंडोस्पम उसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो न्यूट्रिटिव है उसमें सारी चीजें प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अच्छे फैटी एसिड्स भी उसमें प्रेजेंट है काफी न्यूट्रिटिव है इसीलिए एंडोस्पम को न्यूट्रिटिव बोला जाता है तो ये हुआ पहला न्यूक्लियर एंडोस्पम सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो नाम ही सेल्युलर है तो यहां पे ध्यान रखना है कि यहां सेल वॉल बनेगी शुरू से ही सेल वॉल का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ चलेगा डायग्राम में देखेंगे कैसे यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अब यहां पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ ये डिवाइड हो गया अब ये जो लाइन दिखाई है दैट इज सेल वॉल जैसे-जैसे न्यूक्लियस बना वैसे-वैसे सेल वॉल बनी सो so, हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलोड साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत क्या हुआ साइटोकाइनेसिस हुआ और फिर ये फर्दर डिवाइड हुए तो जितने भी न्यूक्लियई थे जितने भी न्यूक्लियस थे मल्टी कंडीशन आई उतनी ही सेल वॉल बन गई ये उतनी ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म होता है ये काफी स्मार्ट है ये शुरू से ही हर न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन करता है सो तो हम ये कह सकते हैं कि जब बनता है और जब तक ये मैच्योर होता है ये सेल्यूलर स्टेट में ही रहता है यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जितने भी न्यूक्लियस हैं सभी न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल है सभी में साइटोकाइन कंप्लीट हो चुका है एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भी जो साइटोप्लाज्म या सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो सेलुलर एंडोस्पम बनना शुरू होता है वो पेरीफेरी से सेंटर में होता है जब हम हरा नारियल तोड़ते हैं अंदर से तो उसमें पानी ज्यादा निकलता है वहीं जब हम कच्चा नारियल जिसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग होती है उसको जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर पानी कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सेल्युलर एंडोस्पम बनने लगता है और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जब हम नारियल का सफेद वाला पार्ट खाते हैं दैट इज कोकोनट कर्नल कोकोनट कैर्नल और कोकोनट मीट और कोकोनट मील कुछ भी कह सकते हैं हम नारियल के सफेद वाले पार्ट को जिसको हम खाते हैं पूजा में जिस नारियल को यूज किया जाता है दैट इज सेल्युलर एंडोस्पर्म तो सेल्युलर एंडोस्पर्म में हमें क्या ध्यान रखना है जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है साथ साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है तो शुरुआत से अंत तक यह एंडोस्पम सेल्युलर ही रहता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट कर्नल और कोकोनट मीट और कोकोनट मील और यह गैमिटोपैटले में ज्यादातर देखने को मिलता है द लास्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पम जो कि एनसीआर ने एक लाइन में दिया हुआ है दैट इज हेलोबियल एंडोस्पम हेलोबियल एंडोस्पम एंडोस्पम है ये एंडोस्पम सेल्यूलर एंडोस्पम और न्यूक्लियर एंडोस्पम का इंटरमीडिएट होता है सो इट इज एन इंटरमीडिएट इट इज एन इंटरमीडिएट किस किस के बीच का न्यूक्लियर एंडोस्पम एंड सेल्यूलर एंडोस्पम दोनों एंडोस्पम के बीच का होता है इंटरमीडिएट होता है मोनोकॉट में देखने को मिलता है मोनोकॉट में ये देखने को मिलता है अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है सारी चीजें प्राइमरी न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे भी प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस ने डिवाइड किया जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करता है साइटोकाइनसिस भी होता है वॉल भी बनती है बट न्यूक्लियस का डिवीजन तो नॉर्मल जैसा होना है वैसा हो जाता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल है एक सेल बड़ी बन जाती है दिख भी रही है और एक सेल छोटी बन जाती है ये जो डिवीजन है वो होता है ट्रांसफर्स डिवीजन ये ट्रांसफर्स प्लेन है ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है तो ट्रांसफर्स डिवीजन हुआ जैसे ही डिवीजन हुआ एक सेल बड़ी बनी दूसरी सेल छोटी बनी माइक्रोपाइलर रीजन के पास वाली जो सेल थी वो बड़ी थी चैलेजल के पास जो सेल थी वो छोटी थी अब क्या किया इन्होंने

दोनों ने डिवाइड किया बट जो चैलेजल वाला पार्ट है वहां पे सेल वॉल बनी माइक्रोपाइलर रीजन वाला जो न्यूक्लियस था वो तो डिवाइड होता रहा वहां पे तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता रहा बट वहां पे सेल्युलराइजेशन नहीं हुआ यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो यहां पे भी धीरे 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 फिर और न्यूक्लियर डिवाइड हुए और लास्ट में जाके इसको भी हर न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल बनानी पड़ी और सेम वही चीज हुई यहाँ पे भी पैरी से सेंटर में सेल वॉल का या साइटोकाइनसिस होने लगा तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी एंडोस्पोम न्यूक्लियस डिवाइड हुआ अनइक्वल डिवीजन हुआ अनइक्वल डिवाइड होने के बाद इन्होंने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करना शुरू कर दिया जो सेल छोटे पार्ट में थी वो स्मार्ट थी उन्होंने शुरू से ही साइटोकाइनेसिस को फॉलो किया। बट जो बड़ा वाला पोर्शन ऑफ़ द सेल था, लार्जर सेल था उसकी जो न्यूक्लियाई थी या न्यूक्लियस उसमें जो थे उन्होंने फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न तो किया बट उन्होंने सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं किया धीरे धीरे उन्हें लगा कि नहीं सेल वॉल के बिना बने तो काम नहीं होगा सेल वॉल तो बनानी ही पड़ेगी तो उन्होंने भी सेल वॉल या साइटोकाइनेसिस शुरू किया और पैरी से सेंटर में किया तो इस तरीके से यहाँ पे भी एंडोस्पर्म बना ये दोनों का इंटरमीडिएट है यहाँ पे इसका एक पार्ट इंटरमीडिएट क्यों है ये भी समझ लें आप इंटरमीडिएट इसलिए है क्योंकि इसका ये छोटा वाला हिस्सा सेलुलर एंडोस्पम को रिप्रेजेंट करता है और इसका बड़ा वाला हिस्सा न्यूक्लियर एंडोस्पम को रिप्रेजेंट करता है हम देख भी सकते हैं राइट कुछ एंजियोस्पम्स में रूमिनेट एंडोस्पम मिलता है ऐसा एंडोस्पम जिसकी सरफेस रफ है एक प्लांट होता है जिसमें रिउमिनेट एंडोस्पर्म मिलता है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म कुछ प्लांट्स में एब्सेंट होता है कुछ एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है जैसे ऑर्किडेसी पोडोस्टेमियसी एंड ट्रेपियसी। तो ऑर्किडेसी हमें याद रखना है मेज एंड टोमेटो में मोजेक एंडोस्पर्म होता है विच ज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट जिसमें अलग अलग पैचेस होते हैं जो अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं द एंडोस्पर्म इन बीटल नट, एकेसिया कटेचू जो मैंने अभी आपको नाम बताया है एकेसिया एंड एनोनेसिया फैमिली इज रफ सरफेस इट इज नोन एज रूमिनेट एंडोस्पम कुछ मोनोकॉट को जब हम खाते हैं जैसे वीट राइस मेज तो ये सब चिपचिपे होते हैं लिस होते हैं। कारण क्या है कि इसमें जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट होता है तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म इज फाउंड इन राइस वीट एंड मेज राइस वीट एंड मेज में स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज Endosperm. So, this is all about the different types of endosperm.